सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मोहित एक्सपर्ट में। तो यार आज हम कवर करने वाले हैं एशिया कप का मैच नंबर सेकंड, जो कि इंडिया वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा। मैच यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैच शाम के 7 बजे शुरू हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच है। इस मैच में आप काफ़ी सारी विनिंग कर सकते हो, और सारी विनिंग करने के लिए बस आप सबको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ से वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, तो जिस किसी ने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी अच्छे जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच का जो फाइनल टीम रहेगा वो आप सबको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो भाई पहले सबसे हम बात कर लेते पिच रिपोर्ट की। देखा कि जो पिच है बैटिंग के लिए ठीक ठाक सी पिच रहने वाली है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, नॉर्मल सा स्कोर बनता है 130 से लेकर 140 के बीच में। बाकी बॉलिंग में देखोगे तो भाई फेसर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए बढ़िया पिच है, पर सेकेंड इनिंग में देखा जाए तो यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बाकी ज़्यादातर मैचेस देखोगे तो भाई यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, ज़्यादातर यहाँ पर जो मैचेस होते हैं वो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। ग्राउंड स्टैट्स और स्कोरिंग पैटर्न देखे तो भाई इस ग्राउंड पर टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें एवरेज स्कोर सिर्फ 134 रन का रहा, और पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 मैच जीती और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 2 मैच जीती। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो भाई 3 मैच खेले गए, तीनों ही मैच में भाई 150 के नीचे का स्कोर बना है, तो ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं है, नॉर्मल सा स्कोर बनता है 130 से लेकर 140 के बीच में। चलिए अभी हम इंडिया वुमेंस की प्लेइंग 11 देख लेते, तो ओपन करेंगे भाई शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना। तो शेफाली वर्मा ने भाई रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है, और मेरे यहाँ पर रिसेंटली जो परफॉर्मेंस दिया प्लेयर का भाई वो सभी फॉर्मेट का दिया, ताकि भाई आप सबको सही से समझ आए कि सभी प्लेयर कैसे फॉर्म में है यहाँ पर। तो शेफाली वर्मा ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 27 रन मारा था, नॉट आउट रहे थे। उसके पहले 18 रन, उसके पहले 205 रन प्लस 1 विकेट और 24 रन जो कि टेस्ट मैच हुआ था वहाँ काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था, उसके पहले 25 रन मारा था। तो भाई ओवरऑल देखोगे तो भाई शेफाली वर्मा ने रिसेंटली काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। स्मृति मंदाना भी यार बहुत अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में 54 रन मारा, उसके पहले 46 रन, उसके पहले वनडे का मैच होता जहाँ पर 184 रन मारा था, उसके लिए 90 रन। तो दोनों ओपनर का देखोगे तो भाई बहुत अच्छे फॉर्म में काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हो, और आज के मैच भी आराम से भाई दोनों ओपनर यहाँ पर 50+ स्कोर कर सकते हैं। बाकी जिमा की बात करें तो भाई रिसेंटली इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्म कर रखा है, पिछले 5 मैच से 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी है। पिछले मैच 53 रन, उसके पहले 55 रन, उसके पहले 19 रन नॉट आउट। तो यहाँ देखोगे तो भाई इंडिया के लगभग भाई सभी बैट्समैन का जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली काफ़ी अच्छा रहा है। फिर भी यहाँ हरमनप्रीत कौर का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखे तो पिछले मैच 35 रन, उसके पहले 69 रन, उसके पहले 42 रन। ऋषभ घोष भाई पिछले मैच 86 रन, उसके पहले 6 रन, 25 रन, 3 रन। तो ओवरऑल देखोगे तो भाई इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है, ज़्यादातर मैचेस में तो नॉट आउट ही रहे। बाकी साजरा सजीवन की बात करें तो भाई रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास रहता नहीं है, पिछले 5 मैच में भाई 3 मैच इन्होंने बॉलिंग कराई और तीनों ही मैच विकेट लेस गए, और बैटिंग से भी देखोगे तो भाई इतना कुछ खास इन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। दीप्ति शर्मा भाई रेगुलर विकेट निकाल रहे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में, पिछले भी कुछ मैचेस देखोगे तो भाई पिछले मैच 1 विकेट, उसके पहले 2 विकेट, उसके पहले 2 विकेट, उसके पहले 2 विकेट। तो रिसेंटली यार इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। वही पूजा वर्षराकर ने भाई तो काफ़ी अच्छी इन्होंने भी बॉलिंग कराई, और पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो भाई लगातार विकेट निकाल रहे और 1 से ज़्यादा विकेट निकाल रहे। पिछले मैच में भी 4 विकेट निकाला, उसके पहले 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। बाकी राधा यादव पिछले कुछ मैचेस काफ़ी अच्छे जा रहे, पिछले 3 मैचेस बहुत बढ़िया गए, पिछले मैच 3 विकेट, उसके पहले 1 विकेट, 2 विकेट, और पिछले 3 मैच में टोटल भाई इन्होंने 6 विकेट निकाले और हर मैच में अच्छी खासी बॉलिंग कराई है। बीच में भाई 1-2 मैचेस खराब गए, पर पिछले 2-3 मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। बाकी श्रेयंका पाटिल ने भाई रिसेंटली देखा जाए तो ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस रहता है, इतना खास बोल नहीं सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो भाई किसी भी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट इन्होंने नहीं निकाला है, विकेट मिल रहा है पर 1 से ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहा है। वही रेणुका सिंह का भी जो परफॉर्मेंस है रिसेंटली इतना बढ़िया नहीं रहा है, ज़्यादातर मैचेस में विकेट लेस गए। तो भाई यहाँ इंडिया वुमेंस का प्लेइंग 11 देखोगे तो भाई बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में, सभी बैट्समैन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी बॉलिंग में भी 1-2 बॉलर्स है जो कि रेगुलर विकेट निकाल रहे, पर मैक्सिमम बॉलर्स भाई विकेट लेस ही जा रहे, तो यहाँ बॉलिंग साइड थोड़ी सी यहाँ पर वीक रह सकती है। बाकी बैटिंग साइड तो यहाँ इंडिया वुमेंस की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए अभी हम पाकिस्तान वुमेंस की प्लेइंग 11 देख लेते, तो ओपन करेंगे भाई गुलफिरोज और सिरदा अमीन। तो गुलफिरोज का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखे तो इतना कुछ बढ़िया नहीं रहता है, पिछले 5 इनके मैचेस देखोगे तो भाई पिछले मैच 16 रन, उसके पहले 30 रन, 3 रन, 17 रन, 14 रन। तो रिसेंटली देखोगे तो भाई एक बढ़िया इनिंग आ चुकी है 30 रन की, और उसके अलावा इन्होंने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। और सिरदा अमीन ने भी रिसेंटली परफॉर्मेंस इतना कुछ बढ़िया दिया नहीं है, पिछले मैच 10 रन, उसके पहले 7 रन, 2 रन, 26 रन, 11 रन, और पिछले 5 मैच का इनका हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो वो 26 रन का रहता है। वही मुनीबा अली पिछला मैच बढ़िया गया था, 47 रन मारा था, उसके पहले 34 रन, 18 रन। तो रिसेंटली भाई इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्म कर रखा है, अच्छे इनिंग यहाँ पर आ चुके हैं।
बाकी नींदा हैदर पिछले मैच 1 विकेट उसके बोले 26 रन प्लस 3 विकेट उसके बोले 29 रन प्लस 3 विकेट उसके बोले 1 रन प्लस 2 विकेट। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, रेगुलर विकेट निकाल रहा है और हर मैच में देखोगे तो भाई एक से ज़्यादा ही विकेट है और साथ में बैटिंग से भी आराम से भाई 25 से 30 रन मार रहे हैं। वही आलिया रियाज भाई पिछले मैच 36 रन उसके बोले 21 रन प्लस 2 विकेट उसके बोले 35 रन। तो इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्म कर रखा है रिसेंटली, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बैटिंग की और बीच बीच में एक दो मैचेस में बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कराई है। इराम जावेद रिसेंटली परफॉर्मेंस इतना कुछ बढ़िया नहीं रहता और बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लेट आती है, पिछले मैच 15 रन उसके पहले 15 रन उसके पहले 35 उसके पहले 28। बाकी फतिमा सना रिसेंटली परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है, रेगुलर विकेट नहीं निकाल पा रहे, एक आध मैच में विकेट मिल जाता है, बाकी ज़्यादातर मैचेस में तो विकेट ले सकी और बैटिंग से भी कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक रहा नहीं है। लियान वेग पिछले कुछ मैचेस में इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है, एक बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग कराई थी 3 विकेट निकाला था एक मैच में, बाकी उसके अलावा किसी भी मैच में इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है और इसके पहले भी कुछ मैचेस देखोगे तो वहाँ भी इन्होंने कुछ परफॉर्म किया नहीं है। बाकी नासरा संधू रिसेंटली इन्होंने ठीक ठाक से परफॉर्म कर रखे, बीच में एक दो मैचेस में जहाँ पर बॉलिंग कराई थी वहाँ पर विकेट निकाला था, बाकी बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं और बैटिंग में बहुत ज़्यादा लेट आती है। तोबा हसन रिसेंटली परफॉर्मेंस इतना कुछ बढ़िया नहीं रहता, रेगुलर विकेट नहीं निकाल पा रहे। बाकी शायद इकबाल ने भी रिसेंटली परफॉर्मेंस देखे तो इनका बढ़िया रहता है भाई, बॉलिंग में यही एक बॉलर है जो कि रेगुलर विकेट निकाल रहे हैं और हर मैच इन्होंने विकेट निकाला और काफ़ी अच्छे फॉर्म में। और पाकिस्तान वुमेन का देखोगे तो भाई ज़्यादातर प्लेयर तो आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल भी इनका जो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहता नहीं है, यही कारण है भाई पाकिस्तान वुमेन्स पिछले 5 मैच सिर्फ 1 ही मैच जीत और लगातार 4 मैच हार रही है। तो देखोगे तो भाई रिसेंटली परफॉर्मेंस पाकिस्तान वुमेन का काफ़ी ज़्यादा खराब रहता है। तो चलिए आज के मैच की हमारी टीम देख लेते हैं, जिस टीम हमने 1 विकेट पर 3 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर लिया है। टीम में हमने कैप्टन रखा दीप्ति शर्मा को, वाइस कैप्टन श्रीति मंदाना को रखा, चाहे तो भाई शिफाली वर्मा को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेंगे और यहाँ पर आप सबको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से तो भाई आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन आप सबको इंडियन प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भाई सभी प्लेयर काफ़ी अच्छे फॉर्म में, बॉलिंग में भी आप सबको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे।